यहाँ पे जो है जो फसल है जो गंदी की है बीमक है, सफ़ेद गिटार है, कंसवा है, इन चीज़ों को हमारी कंपनी ने ये एक नाम की दवाई निकाली है। हाँ, जिस टाइम आप अपने गन्ने की बुआई करते हैं उस टाइम पे आप लोगों को जो है इस देवसेना को लगाना है। देवसेना के लगाने का तरीका ये है कि जैसे आप बुआई में जो भी DAP या NPK इस्तेमाल करते हैं उसमें एक एकड़ खेत में एक फसल आप DAP का लेंगे और एक 125 ग्राम यानी कि एक पाउच आप देवसेना कर लेंगे, उसको एक लीटर पानी में ऐसे करके घोल के उसका पेस्ट सा बन जाएगा। उस पेस्ट को जो बुआई के लिए आपने DAP का कट्टा खोल रखा है उसमें ऐसे करके मिक्स कर लो, तो मिक्स करने के बाद में कूड़ में ऐसे ऐसे करते हुए डालते चले जाओ। उसके बाद आप गन्ने के टुकड़े की बुआई कर दो और पाटा लगा दो। इससे होगा क्या कि जो आपका पत्ते से जो गन्ने का जर्मिनेशन आएगा ना उसमें सबसे पहले तो आप लोगों का पोंगा जो है वो मोटा जमेगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, जर्मिनेशन 100% होगा क्योंकि जो जर्मिनेशन कम आता था वो आपका पूरा आएगा। और दूसरा बड़ा फायदा, जो जैसे मई जून में जिस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, अधिक गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम कंसुआ लगता है। आप लोग कंसुओं को क्या बोलते हैं? फलाई, जानते हो ना, जिसमें उबले हुए चावल की तरह लाल मुँह की सफ़ेद गिंडार जो होती है वो लगती है। यदि आपने बुआई में नीचे देवसेना लगा रखा है वो नहीं लगेगी। और जो तीसरा बड़ा फायदा है, जब जुलाई अगस्त में आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी गन्ने का पूरा पौधा सूख जाता है ना, तो उसमें क्या है नीचे सफ़ेद गिंडार होती है, तो सफ़ेद सुंदर मोटी वाली जो होती है वो उसकी जड़ों को खा लेती है। जब जड़ खा लेगी तो पौधा सूख जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी।